वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 एंड द चैप्टर नेम इज एमएस वर्ड। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एमएस वर्ड, व्हाट इज एमएस वर्ड, व्हाई इट इज यूज्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्ड पैड एंड एमएस वर्ड, ओवरव्यू ऑफ एमएस वर्ड, इमेज ऑफ एमएस वर्ड स्क्रीन विथ डिटेल, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं what is MS Word. As you see all how to create WordPad documents in previous session and also about some features of WordPad window. हमने first semester में WordPad document किस तरह से तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये हमने देखा है और उसके features देखे थे। But you have to study more about text document and editing or formatting in that. फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यू कैन ऑल्सो यूज़ एमएस वर्ड। तो हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में और पढ़ेंगे, जिसमें ज़्यादा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ज़्यादा एडिटिंग कर सकते हैं, ऐसा और एक डॉक्यूमेंट्स है। और फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यू कैन ऑल्सो यूज़ एमएस वर्ड, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस मतलब क्या होता है, एमएस वर्ड मतलब क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर। इट प्रोवाइड्स अ वेरियस फैसिलिटीज फॉर क्रिएटिंग एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स। इसमें जो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स, एमएस वर्ड में जो है ज़्यादा फैसिलिटीज होती है फॉर्मेटिंग के लिए। एमएस वर्ड डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन्स टू मेक इफेक्टिव एंड क्रिएटिव डॉक्यूमेंट्स। एम एस वर्ड किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। और इसमें बहुत सारे वर्जन्स होते हैं जिसकी वजह से हम हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है इफेक्टिव एंड क्रिएटिव बना सकते हैं। जैसे कि एम एस वर्ड 98, एम एस वर्ड 2003, एम एस वर्ड 2007, एम एस वर्ड 2010 एंड एम एस वर्ड 2013। तो वॉट इज़ एम एस वर्ड, एम एस वर्ड क्या है? तो एम एस वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एम एस वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स यू डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ फॉर इफेक्टिव एंड क्रिएटिव टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। एम एस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो हमें हमारा डॉक्यूमेंट्स इफेक्टिव एंड क्रिएटिव बनाने के लिए ज़्यादा फंक्शंस प्रोवाइड करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, वी कैन क्रिएट लेटर्स, रिपोर्ट्स, नोटिस, बुक्स, बिल्स एटसेट्रा इन प्रेजेंटेबल मैनर। जो वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में हम क्या कर सकते हैं, लेटर्स क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, नोटिस बना सकते हैं, बुक्स बना सकते हैं एंड बिल्स भी बना सकते हैं। व्हाई इट्स यूज्ड, एज यू ऑल नो दैट यू हैव मेनी सॉफ्टवेयर ऑप्शंस विच प्रोवाइड यू द फंक्शनलिटी फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बना करने के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। एम एस वर्ड इज़ वेरी पॉपुलर सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उसमें से ही एम एस वर्ड है। तो एम एस वर्ड कैसा है? वेरी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड यूज़, इसको यूज़ करना एकदम ईजी है और हमें लर्न करने में भी ये ईजी है। इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम फंक्शनैलिटी फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। इसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में बनाना है तो बहुत सारी फंक्शंस होते हैं। वी कैन एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट इन एम एस वर्ड। हम एम एस वर्ड में जो टेक्स्ट लिखी है उसको हम एडिट भी कर सकते हैं और उसमें फॉर्मेट भी कर सकते हैं। वी कैन मॉडिफाई द टेक्स्ट बोथ व्हाइल टाइपिंग एंड आफ्टर टाइपिंग। हम जब इसमें हम लोग टाइप करते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स बनाते वक्त भी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं और टाइप होने के बाद भी हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और टाइप करते समय भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इंसर्ट ग्राफिक्स एंड वेरियस ड्राइंग टूल टू ड्रॉ पिक्चर। इसमें पिक्चर्स, ग्राफिक्स भी ले सकते हैं और पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन copy and move the text from one location to another. हमारी टेक्स्ट जो है वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे हम लोग कॉपी भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। वी ऑल्सो सी प्रिंट प्रिव्यू बिफोर प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट्स।
हमारा डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद हम लोग उसका प्रिंट प्रीव्यू भी इसमें देख सकते हैं। वी कैन ऐड टेबल इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में हम टेबल भी ऐड कर सकते हैं। वी कैन से डिफरेंट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, हम इसमें अलाइनमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट रखना है, लेफ्ट राइट रखना है, राइट आपको सेंटर में रखना है, या फिर जस्टिफाई मतलब दोनों साइड्स में सेम बॉर्डर रखना है तो भी आप इसमें कर सकते हैं। द डिफरेंट इफेक्ट्स लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अवेलेबल इन एमएस वर्ड, इसमें बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन इफेक्ट जो देने हैं वो भी अवेलेबल है। वी कैन इंसर्ट डिफरेंट शेप, चार्ट्स एंड पिक्चर्स इन डॉक्यूमेंट्स, इसमें हम डिफरेंट शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन वन वर्ड पैड एंड एम एस वर्ड, वर्ड पैड में और एम एस वर्ड में क्या डिफरेंस है? सिंपली एम एस वर्ड इज़ रिचेस्ट देन वर्ड पैड, एम एस वर्ड वर्ड पैड से रिच होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज़्यादा फंक्शन अवेलेबल होते हैं वर्ड पैड से। एम एस वर्ड हैज़ मोर फीचर देन वर्ड पैड लाइक इंसर्ट, चार्ट, इमेजेस, क्लिप आर्ट्स, मेल मर्ज एट्सेट्रा। एम एस वर्ड में ज़्यादा फीचर होते हैं, वर्ड पैड में कम फीचर होते हैं। एम एस वर्ड में कौन कौन से ज़्यादा फीचर्स होते हैं? जैसे कि इंसर्ट, चार्ट, इमेजेस, क्लिप आर्ट्स एंड मेल मर्ज। एम एस वर्ड इज़ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज वेयर वर्ड पैड इज़ अ पैड ऑफ एसेसरीज। एम एस वर्ड किसका पार्ट होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, और वर्ड पैड किसका है? एसेसरीज का। एम एस वर्ड इज़ पॉपुलर देन वर्ड पैड, एम एस वर्ड वर्ड पैड से ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये वर्ड पैड की और एम एस वर्ड की स्क्रीन देखिए, यहाँ पे टू टैब्स होते हैं ओनली, होम एंड व्यू। इसमें कितने टैब्स है? होम, व्यू, देन सॉरी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, और इसके ग्रुप्स होते हैं। है ज़्यादा पैकेजेस इसमें, इसमें कम होता है, इसमें ज़्यादा फीचर होते हैं। ओवरव्यू ऑफ एम एस वर्ड, तो ये एम एस वर्ड की स्क्रीन है। यहाँ पे एम एस वर्ड कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है देखते हैं। ये ऑफिस बटन होती है, ये टाइटल बार, देन रिबन, देन रूलर, क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ डॉक्यूमेंट्स एरिया एंड स्टेटस बार। देयर आर सेवन पार्ट्स ऑफ एम एस वर्ड विंडो, एम एस वर्ड विंडो के कितने पार्ट्स होते हैं? सेवन पार्ट्स। फर्स्ट इज टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन, रिबन, डॉक्यूमेंट्स एरिया, स्टेटस बार एंड रूलर, ये सेवन पार्ट होते हैं एम एस वर्ड विंडो के। हियर वी आर गोइंग टू सी अबाउट ऑल द गिवन अबाउट वन बाय वन, यहाँ पे हमें वन बाय वन सेवन पार्ट्स को डिटेल में पढ़ना है। तो फर्स्ट टाइटल बार, तो ये टाइटल बार जो ऊपर के साइड में होता है, जहाँ यहाँ पे हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स का नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। टाइटल बार इज़ रिप्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ एम एस वर्ड विंडो, एम एस वर्ड विंडो के टॉप साइड में ये टाइटल बार होता है। इट शोज़ द टाइटल ऑफ वर्ड फाइल, जो हमने वर्ड फाइल बनाई उसका टाइटल यहाँ पे हमें दिखता है। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ अनटाइटल्ड, देयर आर थ्री बटन्स हेल्ड ऑन राइट साइड ऑफ द टाइटल बार। टाइटल बार पे राइट साइड पे थ्री बटन्स होती है, ओके यहाँ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, विच आर नोन एज मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। इसको बोल ये होती है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन राइट साइड में अवेलेबल होती है टाइटल बार के। देन सेकेंड इज क्विक एसेस टूल बार, क्विक एसेस टूल बार ये इस तरह से होता है। क्विक एसेस टूल बार हेल्ड लेफ्ट साइड ऑफ टाइटल बार, जो टाइटल बार होता है टाइटल बार के लेफ्ट साइड में होता है क्विक एसेस टूल बार। इट कंटेन्स सम शॉर्टकट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस लाइक सेव, अंडू एंड रीडू एट्सेट्रा। इसमें क्या होता है? शॉर्टकट कीज होती है, शॉर्टकट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, जैसे अंडू, रीडू एंड सेव। देन थर्ड ऑफिस बटन, ये है ऑफिस बटन। ऑन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर वी कैन सी वन बटन विच इज़ नोन एज ऑफिस बटन। ऊपर टॉप साइड में लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे आपको ये ऑफिस बटन दिखाई देगी, उस इस तरह की बटन दिखाई देगी, इसे ऑफिस बटन कहते हैं। ऑफिस बटन कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस रिलेटेड टू एम एस वर्ड, इसमें
डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें आपको डिफरेंट फंक्शन मिलेंगे, दैट इज इट हेल्प अस टू सेव, ओपन, क्लोज, प्रिंट एट्सेट्रा। इसमें कौन से ऑप्शंस होते हैं, सेव, ओपन, क्लोज, प्रिंट, ये सभी ऑप्शन आपको यूज करने हैं तो वो ऑफिस बटन में अवेलेबल होते हैं। देन फोर्थ रिबन, रिबन कंटेन्स डिफरेंट टैब्स एंड ग्रुप्स। रिबन में डिफरेंट टैब होते हैं और ग्रुप्स होते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब टैब है और होम पे किया और उसका यहाँ पे ये आता है, इसे ग्रुप कहते हैं और ये सबको मिला के रिबन होता है। तो वी कैन यूज़ इट टू मेक इफेक्टिव डॉक्यूमेंट। हमें हमारा डॉक्यूमेंट्स इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव बनाना है उसके लिए हमें ये यूज़ होता है। इट्स सिचुएटेड बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार। इट हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ टैब्स लाइक होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिव्यू, व्यू एट्सेट्रा एंड डिफरेंट ग्रुप्स इन दैट। क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पे होता है, बिलो क्विक, सॉरी क्विक एक्सेस टूल बार में रिबन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे। एंड इसमें डिफरेंट टाइप के टैब्स होते हैं जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिव्यू, व्यू एट्सेट्रा और उसके ग्रुप्स होते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। देन फिफ्थ है डॉक्यूमेंट्स एरिया। इट इज़ द मेन एरिया ऑफ MS वर्ड विंडो। इट इज़ यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स और इंसर्ट टेक्स्ट। इट कंटेन्स कर्सर विच हेल्प अस फॉर इनपुट डेटा। वी कैन वर्क हियर। डॉक्यूमेंट्स एरिया मेन एरिया होता है इसका MS वर्ड का, जहाँ पे हम हमारा डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कर्सर दिखाई देता है जहाँ से हम हमारा टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, देन है स्टेटस बार। द स्टेटस बार सिचुएटेड एट द बॉटम साइड ऑफ डॉक्यूमेंट एरिया। स्टेटस बार शोज द डिटेल ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स लाइक पेजेस एंड वर्ड्स एंड डिफरेंट व्यू और पेज साइज। सो इट हेल्प अस टू नो अबाउट अवर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। स्टेटस बार कहाँ पे होता है, बॉटम साइड, एट द बॉटम साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के बॉटम साइड में ये अवेलेबल होता है स्टेटस बार। एंड यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है स्टेटस बार पे, हमें पेजेस दिखाई देते हैं, वर्ड्स दिखाई देते हैं एंड डिफरेंट व्यू एंड पेज साइज भी यहाँ पे दिखाई देता है। इसलिए हमारा डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है तो उसके लिए ये बहुत यूजफुल होता है स्टेटस बार। एंड लास्ट रूलर। रूलर हेल्प अस टू सेट द साइज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एरिया एंड ऑल्सो सेट अ मार्जिन ऑफ पेज। रूलर हमें डॉक्यूमेंट्स एरिए का साइज सिलेक्ट कर साइज सेट करने के लिए यूज़ होता है एंड दोनों साइड से मार्जिन ऑफ द पेज सेट करने के लिए भी रूलर का यूज़ होता है। पार्ट वन में हमारा चैप्टर फिनिश होता है। वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज इन सेकेंड पार्ट।